मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क। इससे पहले हमने बात करी थी इफेक्टिव वेलबींग मॉडल की। आई होप आपने वीडियो देखी हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क। तो आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय द मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क। दो मॉडल दिए गए हैं, इट मे पॉसिबल कि इनमें से कोई आए, लेकिन वेलबींग और ये टॉपिक मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, तो आप इसे जरूर करके जाए। अब जब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क की, तो ये दिया गया था आपके किसके द्वारा, पायर्स जोन्स के द्वारा। पायर्स जोन्स, दिस इज PRYCE, ओके, पायर्स जोन्स। पायर्स जोन ने 2010 में प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट द वर्क। वहां पर उन्होंने क्या बताया था, इफेक्टिव वेलबींग मॉडल। जब हम बात कर रहे थे ऊपर वाले की, राइट, जो हमारा पहला मॉडल था, तो वो क्या था, इफेक्टिव वेलबींग मॉडल किसने दिया था, वॉर ने दिया था। ये किसने दिया है, ये दिया है पायर्स जोन्स ने 2010 में, कि मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क में, हैप्पीनेस एट वर्क इज डिफाइंड एज द माइंडसेट दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल एंड द अचीव पोटेंशियल, राइट। ये क्या बता रहा है कि हैप्पीनेस क्या रहती है एक वर्क प्लेस पे, जब हमारा जो माइंडसेट होता है वो एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है उसके पोटेंशियल को फुल यूज करना। फुल यूज करना है मतलब कि जो उसको पोटेंशियल है वो फुल पावर पे अपने माइंड को यूज कर पा रहा है और अपनी जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर पा रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा लोग कहते हैं यार मैं इससे ज्यादा नंबर ला सकता था बट मैं ला नहीं पाया। दैट मीन्स वो उस पोटेंशियल पे अपने जो पोटेंशियल है उसका वो यूज नहीं कर पाए, राइट। कई आप लोगों ने सुना होगा यार मैंने तो अपना फुल बेस्ट दिया है, दैट इज उन्होंने क्या करा, अपना पूरा पोटेंशियल दिया है, राइट। तो अगर आप हैप्पी रहते हो तो आप एक तरीके से अपने वर्क प्लेस पे क्या रहते हो, आप अपने वर्क प्लेस पे मैक्सिमाइज पोटेंशियल और उस पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो, यानी कि आपकी जो कैपेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि पुट द एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ हिज और हर अचीवमेंट थस एम्फसाइजिंग द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल हैज ओवर हिज और हर लेवल ऑफ द हैप्पीनेस। उन्होंने बताया कि अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, अब ये सारी चीजें हम कहां पर बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे, इस चीज को आपको याद रखना, पर्टिकुलर वर्क की यहां पर बात हो रही है, वर्क प्लेस पे, राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो जो उसकी पावर है उस एन इंडिविजुअल की वो क्या है, उसकी डिपेंड करती है लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे, क्यों कितना हैप्पी है अपने वर्क प्लेस पर, जो काम कर रहा है वो उस काम में कितना हैप्पी है। ऑब्वियस है अगर उसे मजा हो रहा होगा तो वो उस काम को और एक अनदर लेवल पे ले जाएगा, बट उसे वो काम पसंद नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम नेम और बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सम मनी, तो वो पोटेंशियल उसका वहां पर वर्क नहीं करेगा। पोटेंशियल है बट इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन, ओके। तो बेस अपॉन दैट उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 5 C's, राइट, 5 C को उन्होंने प्लेस करा कि अराउंड द सेंटर, और उन्होंने कहा कि जो हैप्पीनेस होती है वो क्या रहती है, वो एम्प्लॉय के सेंटर पे रहती है। सेंटर मतलब उसके बीच पे रहती है, यानी कि उसका मेन जो एक फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो उन्होंने 5 C's को बात करी यहाँ पर, जो कि उन्होंने सेंटर के रूप में यहाँ पर बताया। सबसे पहले उन्होंने बात करी कंट्रीब्यूशन की। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड द प्रोडक्टिव एफर्ट, कि एक जो इंडिविजुअल है वो कितने प्रोडक्टिव एफर्ट कर रहा है, कितने कंस्ट्रक्टेड एफर्ट कर रहा है एट द वर्क प्लेस। यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स में लिख रखा है, आपको इसको एलैबोरेट करके लिखना होगा। आई होप आपको ये मतलब पता हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 6 मार्क्स का लिख दूंगा तो मतलब पूरे आधे घंटे की एक वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में लिख रखा है, दिस इज द कोर पार्ट, राइट। इनको अलावा आप कुछ और लिख के आओगे तो समा वो ठीक भी होगा लेकिन कोर पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोर पार्ट लिख के आते हो दैट मीन्स कि आपको उस चीज की नॉलेज है, ओके। तो सबसे पहले जो 5 C's की इन्होंने बात की, जिसमें सबसे पहला जो आपका सी है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप अपने वर्क प्लेस पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब कंट्रीब्यूट कैसे करोगे कि कंस्ट्रक्टिव आइडियाज देकर, प्रोडक्टिव आइडियाज देकर, प्रोडक्टिव एफर्ट लगाकर, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट लगाकर, राइट। दूसरा उन्होंने बात करा कन्विक्शन। अब कन्विक्शन की उन्होंने क्या बात करी कि कितने आप मोटिवेट हो, राइट। और जितने आप मोटिवेट, देखिए एक चीज हर दूसरी चीज पर डिपेंड रहती है, जितने आप मोटिवेट रहोगे उतनी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, राइट। एंड रिलायंस रेजिलियंस अलॉन्ग विद द पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ ए जॉब इम्पोर्टेंस। और जितनी आपकी एफिशिएंसी रहेगी आप अपने आप पर एक आपको पॉजिटिव महसूस होगा उस वर्क प्लेस पर, और जितना आपको पॉजिटिव महसूस होगा उतनी आपकी जो एफिशिएंसी है वो निकल कर बाहर आएगी, ओके। थर्ड वन इज योर कल्चर। अब कल्चर क्या होता है कि किस नॉर्म्स में, सपोज करिए कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से
बिलोंग करते हैं, बट जहां वर्क कर रहे हो वहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो डेफिनेटली समहाउ इट विल मेक ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर जॉब पोजिशन एंड द जॉब रोल दैट यू आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर ऑफिस, राइट। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप जिस पर्टिकुलर कल्चर में बिलीव रखते हैं, आप वो कहीं और वर्क कर रहे हैं जो कि उस कल्चर ब्रीफ को नहीं मानते, तो समहाउ यू आर नॉट यूजिंग योर फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द अफ्रेड ऑफ समथिंग यू नो माइट हैपन, कि बिकॉज देयर कल्चर बिलीफ आर डिफरेंट, माई कल्चर बिलीव्स आर डिफरेंट, राइट। तो जिस पर्टिकुलर नॉर्म्स में आप काम कर रहे हो, जो आपकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज का मतलब यहाँ पर ये किसी की वैल्यू नहीं है, आपकी मॉरल वैल्यूज है यहाँ पर, कि आपकी जो पर्टिकुलर मॉरल वैल्यू है और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। फोर्थ वन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट दैट मीन्स आप कितने कमिट हो किसी चीज के लिए, एंड इंटरेक्टिंग सेट ऑफ फीलिंग एंड द बिलीफ इज कॉमनली नोन एज द कमिटमेंट। नाउ ये फीलिंग कैसी होती है, फीलिंग टू डू डू सम वर्क, फीलिंग टू यूज योर फुल पोटेंशियल, फीलिंग टू यूज दैट आई हैव टू अचीव माई पोटेंशियल, राइट। दीज आर द फीलिंग्स एंड द बिलीफ कि हाँ भाई ये काम मेरे को करना है, मेरे को अपने पोटेंशियल पे ये काम करना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, नॉट फॉर द सेक ऑफ यू नो कि ऑफिस से हूं मैं या फिर मेरे को ऑफिसर का, नहीं, इट्स फॉर योर सेल्फ, कि आपकी अपनी पर्सनल बिलीफ क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या कह रही हैं टू डू दैट वर्क, ओके, दैट इज योर कमिटमेंट। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का देखिए, आई होप ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, यू हैव दैट पोटेंशियल टू डू दैट वर्क, देन यू विल गेट 110% ऑफ योर पोटेंशियल। जब आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं काम कर सकता हूँ, तो आप 100% उस चीज का दोगे, राइट। सेल्फ कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ द सेल्फ बिलीफ, ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल। आप कॉन्फिडेंस हो तो आपको पता रहेगा कि मेरा रोल क्या है, मेरे बिलीफ क्या है, मेरे जो इमोशंस है उसके ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, मेरे जो पोटेंशियल है वो क्या है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अब इस सारी चीजों को यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, एंड दिस इज द डायग्राम, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी, देखिए ये आपके 5 C's है, कॉन्फिडेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन, कन्विक्शन, कल्चर एंड कमिटमेंट। मेन फोकस क्या है, अचीव योर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स जो आपका पोटेंशियल है उसको आप कैसे अचीव करोगे। तो दीज आर द 5 C's जो कि आपको इंटरकनेक्टेड रहते हैं, राइट। आप देख रहे हैं सारे, ये सारे क्या हो रखे हैं, इंटरकनेक्ट हो रखे हैं एक दूसरे से, राइट। और ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, हाउ टू अचीव योर पोटेंशियल। बाहर अगर आप देखोगे तो ये एक आउटर सर्कल है जो कि आपको बता रहा है कि ये आपके प्राइड और ट्रस्ट के अंदर रहता है। ट्रस्ट अगर देखिए यहाँ से, अगर ये चीज टूट जाए, ट्रस्ट नहीं होगा आपको विद इन योर सेल्फ, तो सम हाउ ये जो सारी अंदर वाली जो लेयर है वो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, राइट। अगर आपका प्राइड जो है वो बिल्कुल, अगर आप, मैं कहूँ कि आउटर लेयर, अगर अगर मैं इसमें लेमन टर्म में बात करूं, अगर आपके पास जो आउटर लेयर आपकी वीक है, तो उतनी ही ज्यादा आपकी जो इनर लेयर होगी वो तोड़ने में या फिर वीक कहलाएगी, राइट। जितना आपके पास आपका प्राइड रहेगा, जितना आपके पास अपने आप पे ट्रस्ट रहेगा, उतनी ये चीजें क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी, और जैसी सेफ रहेंगी ये क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रांग रहेंगी, ओके। तो ये था आपका मॉडल ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग नट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप इन शॉर्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।